हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेमा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं ये सेट थ्योरी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी ये क्लास मेरी फर्स्ट रहेगी और इसके बाद मैं ये क्लासेस चालू रखूंगा, जो कि ये लगभग 2 या 3 क्लासेस में समाप्त हो पाएंगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के अपने पहली हेडिंग पे। और लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये थ्योरी क्लासेस के बाद मैं 2009 से 2018 के बीच, सॉरी 2019 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो एनडीए के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्योंकि मैं ये क्लास इसीलिए दे रहा हूँ, क्योंकि आपने यदि एनडीए का फॉर्म अप्लाई किया है तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिट होने वाली है, ठीक है। इस सेट थ्योरी में आप वीडियो को यदि पूरा देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से पसंद आएगा आपको, यदि बीच से जाकर के देखेंगे तो आप पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपके सामने। देखिए, सेट थ्योरी की हेडिंग है, सेट किसे कहते हैं। देखिए, सेट क्या है। तो देखो, द वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ एनी थिंग्स इज कॉल्ड सेट। मतलब कि किन्हीं चीजों का, मीन्स ऐसा कलेक्शंस जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित मीन्स वेल डिफाइंड हो। ध्यान दीजिएगा, हमारा पूरा यहाँ पे केंद्र है वेल डिफाइंड पे, ठीक है। वेल डिफाइंड हो तो वही कहलाता है सेट। और वेल डिफाइंड क्या होता है, तो हम यदि मैं यहाँ पे ले लूं, दो ले लेता हूं, क्या सेट ले लेता हूं, क्योंकि सेट आप जानते हैं सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। अंग्रेजी की कैपिटल लेटर सेट को प्रेजेंट करते हैं। और ये जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स रखे जाते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स रखे जाते हैं, आप जानते हैं। तो मैं रखे दे रहा हूं और आपको बताना है ए बी सी बी, ठीक है। ये है एक सेट, एक सेट है बी की इज इक्वल टू 1 2 2 3 4, ठीक है। ये है सेट। और एक सेट में और ले रहा हूं सी, जो है 1 2 ए वी, ठीक है, और का खा, ठीक है, ये ले रहा हूं। और एक सेट ले रहा हूं मैं सिंपल सा 1 2 3 4, या इसी को ले रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी और डी, ठीक है। या मैं ले रहा हूं का खा गा और घा, ठीक है। तो बताइए इनमें से ये वेल डिफाइंड सेट है कौन से। पहला ये सेट है या नहीं, दूसरा सेट है या नहीं, तीसरा सेट है या नहीं, आपको बताना है। तो देखिए, मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं ओनली वेल डिफाइंड को समझाने की आपको। मतलब सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित का मतलब होता है कोई भी सेट, ऐसा सेट हो जो उसके अंदर एलिमेंट्स हो, वो एक ऐसी सिचुएशंस में हो कि वो या तो फिर 1 2 3 में ही हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, या तो फिर ए बी सी डी में हो ही हो, और या तो फिर का खा गा घा में हो, ठीक है। या तो मतलब एक सिंपल से प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि कोई भी सेट वेल डिफाइंड तभी होगा जब उसके अंदर रखे हुए एलिमेंट्स एक विशेष प्रकार से समायोजित हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो पहला वाला देख लीजिए, ए बी सी और बी, फिर से आ गया बी। तो देखिए, यदि दो बार कोई भी एलिमेंट्स आ रहा है तो वो सेट, ठीक है, वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। तो पहला वेल डिफाइंड सेट नहीं है। दूसरा में देख लीजिए, इसी प्रकार 2 और 2 दो बार आ रहा है तो ये भी वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे वेल डिफाइंड सेट सेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सेट की बात। सी नंबर में देख लीजिए, 1 2 भी है, ए बी भी है, का खा गा भी है, तो इसलिए ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, डी नंबर में देखते हैं, डी नंबर एक वेल डिफाइंड सेट है क्योंकि ये नंबर ऑफ सेट है, जो नंबरों का सेट है। ये ए बी सी डी मीन्स अंग्रेजी की वर्णमाला का अक्षर है, मीन्स सेट है। और ये का खा गा घा मीन्स हमारा जो है व्यंजन का सेट है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एक सेट मानेंगे, ना कि इनको, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि वेल डिफाइंड कहते क्या है। मतलब कि उसके अंदर जो भी वर्ड्स हो वो डिफाइंड हो, कि मतलब ए बी सी डी हो, 1 2 3 ही हो, या का खा गा भी हो, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट ना हो वही कहलाता है सेट। ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। इनका नोटेशंस कैसे करते हैं, नोटेशंस कैपिटल लेटर से करते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से नोटेशंस करते हैं। और जो एलिमेंट्स होते हैं अंग्रेजी के, तो इंग्लिश के स्मॉल लेटर से होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब इसका जो है रिप्रेजेंटेशंस कितना टाइप का होता है, इसका रिप्रेजेंटेशंस टू टू टाइप का होता है। ध्यान दीजिएगा,
इसका रिप्रेजेंटेशन टू टाइप का होता है, कौन से मैं आपको बता रहा हूं। चेस्ट बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन ध्यान, बहुत ही अच्छे से थ्योरी रहेगी ये, आप यदि इसको देखते हैं पूरा तो आपको सेट थ्योरी कभी भूलेगी ही नहीं, ठीक है। चलिए, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो टाइप से होता है। फर्स्ट टाइप से क्या होता है, फर्स्ट टेबलर मेथड होता है, मतलब कि तालिका विधि। कौन सी होती है, टेबलर मेथड, टेबलर मेथड होता है, इसको हम कहते हैं तालिका विधि। क्या बोलते हैं, तालिका विधि। चलिए, तालिका विधि होती है, ठीक है। दूसरा होता है, दूसरा होता है प्रॉपर्टी मेथड होता है, मींस गुण विधि। क्या होता है, प्रॉपर्टी मेथड या गुण विधि, ठीक है। तो पहला कौन सा होता है, टेबलर मेथड, दूसरा कौन सा होता है, प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस टेबलर मेथड को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉपर्टी मेथड से किस प्रकार किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं कोई भी सेट ले लूं ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हो 0, 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है, ये सेट है। तो हम इस टेबलर मेथड में तालिका विधि से इस सेट को इस तरह लिखेंगे, ए की वैल्यू एक मझला कोष्टक लगाएंगे और अंदर जितने भी एलिमेंट्स हो कामा लगाते हुए रख देंगे, ऐसे। ये तो होता है टेबलर मेथड, ठीक है। सेम यदि कोई भी वैल्यू है, ए की वैल्यू और है, या वी कोई सेट है जिसमें 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, कहां तक हो, 9 तक हो, तो हम उसको सीधे सीधे रख सकते हैं, वी की वैल्यू 0, 1, 2, 3 और डेट डेस कहां तक, 9 तक, ठीक। ये तो ये कौन सा मेथड है, तालिका मेथड है, मतलब कि टेबलर मेथड है। ए की वैल्यू कोई भी रखी है उसको हम एक सिंपल मझला कोष्टक में रखते हुए कामा से अलग करते हुए इनको रख देते हैं, ये टेबलर मेथड होता है। लेकिन प्रॉपर्टी मेथड जो होता है, प्रॉपर्टी मेथड में यदि यही है, यदि यही कोई क्वेश्चन मैं इन्हीं से ले रहा हूं, तो यदि यही कोई ए सेट है जिसके अंदर 0, 2, 4, 6, 8 और 10 तक इमेज है, ठीक है, मीन्स एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको प्रॉपर्टी मेथड से सिंपल तरीके से लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, मझला कोष्टक इसमें भी रहेगा क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन होता है सेट का, और इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स सच डेट एक्स, इसको बोलते हैं एक्स सच डेट, ध्यान देगा सच डेट, इसको बोलेंगे एक्स सच डेट एक्स, एक्स ऐसा है कि, एक्स ऐसा है कि, एक्स की जो वैल्यू है यहां पे आप देख लीजिए 0, 2, 4, 6, 8 और 10, मतलब कि 2x है, ध्यान देगा, एक्स सच डेट ऐसा है कि 2x है, क्या बोल देंगे 2x, वेयर x belongs to नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर तो है हु इज लेस देन कहां 5, मतलब कि 6 से लेस देन है। इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, किसमें, प्रॉपर्टी मेथड में, सिंपल सी बात है। तालिका मेथड में, टेबुलर मेथड में सिंपल सी बात है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और प्रॉपर्टी मेथड में इस प्रकार से। अभी आपको ये जानते हैं तो इसलिए आपको यदि ठीक है अच्छा नहीं लग रहा तो आप थोड़ी सी वेट कर लीजिए, आपको आगे बहुत ही अच्छा लगेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, तो रिप्रेजेंटेशन ये होता है। यदि वी को हम रिप्रेजेंटेशन रखें, मीन्स वी को इस टाइप में रखें, प्रॉपर्टी मेथड में रखें वी को, तो वी को हम सीधे रखेंगे, वी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, वी इज इक्वल टू मझला कोष्टक रहेगा, अब एक्स सच डेट एक्स, और फिर एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हु इज लेस देन क्या, 10। आप देखिए, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक, 9 तक है, और एक्स सच डेट एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग कर रहा नेचुरल नंबर को जो लेस देन है 10 से। इसमें क्या था, एक्स सच डेट 2x है, मीन्स एक्स की यदि हम वैल्यू नेचुरल नंबर और जो 6 से छोटा है यदि हम रखें तो यही वैल्यू आ जाएंगे। देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम होल नंबर लेंगे, कौन सा होल नंबर, मतलब कि 0 सहित हम ले रहे हैं, लेकिन यहां पे जो है होल नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, होल नंबर जो लेस देन है 10 से,
तो यहाँ पे x सच जाए 2x, ऐसा है कि x होल नंबर है जो लेस देन है 6 से। अब होल नंबर मतलब 0 रख देंगे तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे 6 आ जाएगा, 4 रखेंगे 8 आ जाएगा, और 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 10, लेकिन 6 नहीं रखना, क्यों? क्योंकि 6 से लेस देन होना चाहिए, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार इसमें कि x बिलोंग कर रहा है होल नंबर को, या x होल नंबर है तो सिंबल सी बात है 0, 1, 2, 3, 4 डेड डेड डेस कहां तक है, 10 से लेस देन है मतलब कि 9 है, वही सिंपल सी बात है। तो हम प्रॉपर्टी मेथड से इस टाइप से हम किसी भी सेट को शो करते हैं, और टेबलर मेथड से इस टाइप से हम किसी भी जो सेट को है शो करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ सेट कितने होते हैं बताइए, टाइप्स ऑफ सेट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अब इससे आरंभ होंगे, बिल्कुल सिंपल से बताइए, टाइप्स ऑफ सेट मतलब कि कितने टाइप्स के सेट होते हैं, सेट बताइए, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। अब यहां से आपको बहुत अच्छे से मजा आने वाली है, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट मैं बताऊंगा, टाइप्स ऑफ सेट कई होते हैं, तो पहला सेट मैं ले रहा हूं, ओनली पहला सेट ले रहा हूं नल सेट, ध्यान दीजिएगा आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं यहां पे पहला सेट नल सेट ले रहा हूं, और यहां पे पहला सेट सिंगलटन सेट ले रहा हूं, सेकंड सेट सिंगलटन सेट ले रहा हूं। तो पहला सेट क्या है, नल सेट हमारा है, मीन्स एम्प्टी सेट, मीन्स रिक्त समुच्चय। दूसरा है सिंगलटन सेट, क्या है, सिंगलटन सेट, ध्यान दीजिएगा सिंगलटन सेट। चलिए, तो पहला सेट क्या है, नल सेट है यहाँ पे, और दूसरा सेट हमने सिंगलटन सेट लिया, क्यों लिया है हमने इन्हीं को, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ढेर सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि नल सेट और सिंगलटन सेट में, ध्यान दीजिएगा अच्छे से देखते रहिए, लास्ट में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इसके बाद मीन्स इसमें लास्ट में बहुत ही अच्छे से इसमें थोड़ी से एक नोट पॉइंट रहेंगे जो आपको पसंद आएंगे, ठीक है। तो यदि मैं लिखूं, यदि मैं इनमें से कह दूं कि नल सेट किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं बताइए, आपको डिफिनेशन बतानी है। तो ए सेट, ए सेट हु हैज नो एलिमेंट्स, ए सेट हु हैज नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट, मतलब कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो वो कहलाता है नल सेट, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा सेट ए जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा सेट जिसमें ए है कोई, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, कोई भी एलिमेंट्स नहीं इसके अंदर, कोई भी एलिमेंट्स हो जाएंगे तो वो हो जाएगा सिंगलटन सेट, इसलिए मैंने नल सेट और सिंगलटन सेट को एक साथ लिया, ध्यान दीजिएगा। तो एक कोई सेट है और यदि वो एम्प्टी है, मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो वो कहलाएगा नल सेट, ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाएगा, नल सेट कहलाएगा। अच्छा, इसको नोटेशंस किससे करते हैं, इसको नोटेशंस करते हैं फाइव से, किससे नोटेशन करते हैं इसका, फाइव से, फाइव। अब यदि इसी को कह दिया जाए सिंगलटन सेट, तो ए सेट हु हैज ओनली वन एलिमेंट, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसके पास ओनली वन एलिमेंट हो, एक ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, इस कॉल क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट हमारा कहलाता है, सिंपल सी बात है। तो यदि कोई सेट ए है, सपोज डेट कोई सेट ए है, उसको हम लिख दें वन या ओनली लिख दें टू, ठीक, ओनली ही मैं लिख रहा हूं, वन या टू, तो ये कहलाएगा सिंगलटन सेट। और यदि इसी के अंदर ऐसा कर दें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, वो नल सेट कहलाएगा। नल सेट और सिंगलटन सेट में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह ब्रैकेट के अंदर यदि कोई भी चीज है, मीन्स कोई भी एलिमेंट्स है यदि, तो वो कहलाएगा सिंगलटन सेट, मीन्स एक यदि एलिमेंट्स है, और यदि एक भी एलिमेंट्स नहीं है, मतलब जीरो एलिमेंट्स है, तो वो कहलाएगा फाइव, ध्यान दीजिएगा। इसको इस तरह नहीं लिख सकते, यदि इसको इस तरह लिख दिए कि जीरो एलिमेंट्स है, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक जीरो एलिमेंट्स है, ध्यान दीजिएगा। तो हम सीधे सिंपल सी बात करते हैं कि नल सेट वह सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, और सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट्स होते हैं, कितने एलिमेंट्स, वन एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अब उसको बताइए कि सिंगलटन सेट है या एक कोई एक सेट है, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं मैं, एक कोई सेट है जो है जीरो है, या इसी को हम लिख सकते हैं फाइव, ध्यान दीजिएगा फाइव, और एक कोई बी सेट है, ध्यान दीजिएगा बी सेट है, उसको हम ऐसे लिखते हैं,
इनमें इनमें बताइए, दो सेट हैं, दो सेट मैं ले रहा हूं, इनमें इनमें बताइए कि सिंगलटन सेट कौन सा है और नल सेट कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, बताइए आप कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट सेक्शन में चले जाइए, आप बताइए कि नल सेट कौन सा है और सिंगलटन सेट कौन सा है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसमें एक वैल्यू हो, ये फाई, ध्यान दीजिएगा, फाई इस तरह लिखी हो, फाई इस तरह लिखी हो तो वो होता है नल सेट। लेकिन फाई को यदि हम ब्रैकेट में बंद कर दें, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दें, तो वो क्या हो जाता है, वो सिंगलटन सेट हो जाता है। तो ये दोनों क्या है, सिंगलटन सेट है, और ये दोनों क्या है, नल सेट है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये क्या है, सिंगलटन सेट, और ये क्या है, नल सेट, मींस ये एम्प्टी सेट है और ये है सिंगलटन सेट। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो तो वो क्या कहलाता है, वो सिंगलटन सेट कहलाता है, और यदि कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो तभी वो कहलाएगा नल सेट। ध्यान दीजिएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये मैंने लिया है सिंगलटन सेट और नल सेट। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, कि फाइंड द नल सेट। क्या कह रहा है, फाइंड द नल सेट, आपको नल सेट फाइंड करना है। और ऑप्शन ए कौन सा दिए है, ए की वैल्यू दिए है फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, बी की वैल्यू दिए है, मीन्स ऑप्शन दिए, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सिंगलटन सेट फाइंड करना है, वो सॉरी नल सेट फाइंड करना है हमें। ध्यान दीजिएगा, नल सेट फाइंड करना है हमें, तो सी की वैल्यू दिए है ओनली फाइव इज इक्वल टू, डी की वैल्यू दिए है इज इक्वल टू, मीन्स डी की वैल्यू दिए है, ठीक है, डी आपको सिंगलटन सेट, वो सॉरी नल सेट फाइंड करना है। बताइए इसमें नल सेट कौन सा होगा, आपको बताना है। ये एनडीए में क्वेश्चंस आया हुआ है, मैंने एनडीए से ही फिर पुटअप किया ऐसे इसका क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस है जिसमें कह रहा है फाइंड द नल सेट, नल सेट को फाइंड करना है, इसमें बताया कि नल सेट कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा, आपको बताना है। और इसके बाद इसको नोट कर लीजिए और बताइएगा, इसको मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, बताइए कि कौन सा है, ए नंबर है, बी नंबर है, सी नंबर है, या डी नंबर है। चलिए हम अब चलते हैं तीसरे, थर्ड नंबर पे, मींस थर्ड जो सेट होता है, मींस टाइप्स ऑफ सेट हम पढ़ रहे हैं। तो थर्ड नंबर पे होता है एक सेट, कौन सा होता है, इक्वल सेट। ध्यान देगा, हम दो दो लेकर के चलेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चंस हैं और सिंपल तरीके से चलेंगे। इक्वल सेट, इक्वल सेट मीन्स समान सेट हम बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। और चौथे में लेकर के चलेंगे इक्विवेलेंट सेट, क्या चलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। ध्यान देगा, इक्विवेलेंट सेट जिसको बोलते हैं समतुल्य, क्या बोलते हैं, समतुल्य। ये होता है समान और ये होता है समतुल्य। इसमें और इसमें आप बहुत से जो हैं लड़के जो है डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है और ये क्या, कंफ्यूज हो जाते हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में। मीन सिंपल सेट होता है, समान सेट और समतुल्य सेट में अंतर क्या होता है, मैं इसीलिए मैं दो दो सेट ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं दो दो सेट ले रहा हूं। तो इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट समान हो, ध्यान दीजिएगा, डिजिट भी समान हो, वैल्यू भी समान हो। तो ऐसा सेट जिस ऐसे दो सेट जिसमें दोनों सेट के वैल्यू और एलिमेंट्स जो अंदर रखे गए हैं एलिमेंट्स वो इक्वल हो तो वो कहलाएगा क्या, इक्वल सेट। जैसे मैं कोई भी सेट ले लूं, ए ए की वैल्यू ले लूं 1 2 3 4, ठीक है, और यहां पे बी कोई ले लूं, बी ले लूं 2 3 1 4, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 है और इसमें 1 2 3 4 है, देखिएगा। और जो इसके अंदर एलिमेंट्स भी हों वो भी 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ए की वैल्यू बी के इक्वल हो जाएगी, मीन्स अंदर रखे एलिमेंट्स की संख्या भी बराबर हो और एलिमेंट्स की वैल्यू भी बराबर हो, तब हम कहेंगे वो इक्वल सेट है। तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल सेट कौन सा होता है, वह सेट जिसके अंदर डिजिट व वैल्यू दोनों इक्वल हो, इक्वल सेट कहलाता है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, वह सेट जिसमें डिजिट तो सेम हो, वह सेट जिसमें डिजिट तो सेम हो लेकिन वैल्यू सेम ना हो। जैसे ए की कोई हम वैल्यू ले लें, सिंपल सी बात है, ए की कोई हम वैल्यू ले लें 1 2 3, ध्यान दीजिएगा, और बी कोई भी हम सेट ले लें ए बी सी, ए बी सी,
तो ये ए सिंगलटन सेट है बी का, वो इक्विवेलेंट सेट है बी का, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है ना कि इक्वल सेट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है, थ्री थ्री है, थ्री थ्री है, लेकिन जो इसके अंदर एलिमेंट्स है, वैल्यू है, वो इक्वल नहीं है। ये ए है, ये वन है, ये बी है, ये टू है, ये सी है, ये थ्री है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सभी जो है इक्वल सेट, सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, ठीक है, सभी सेट इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट सभी इक्वल नहीं हो सकते। मतलब कि आप समझ रहे होंगे, ए यदि इक्विवेलेंट सेट दिए है तो वो जरूरी नहीं है कि ए इज इक्वल टू बी भी हो, मीन्स इक्वल सेट भी हो, लेकिन यदि इक्वल सेट है तो वो जरूर इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में आप डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी है और ये ए इज इक्वल टू बी है, आप समझ गए होंगे, आप सिंपल सी बात है, ये आपको कोई वो नहीं है। तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में आप डिफरेंस मत कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं इसमें से अपना जो है हमारे हो गए चौथे, चार हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो गए, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ सेट चार हो गए। अब पांचवें नंबर में क्या है और छठवें नंबर में क्या है? मैं कह रहा हूं मैं दो दो साथ लेकर के चलता हूं, इसलिए साथ लेकर के चलता हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मीन्स नल सेट, सिंगलटन सेट, सेकंड में है जो है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। अब चलते हैं फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट? फाइनाइट सेट होता है जो परिमित समुच्चय, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय। और ये होता है इनफाइनाइट सेट। क्या होता है इनफाइनाइट सेट? सिंपल सी बात है, अभी ये सिंपल सिंपल लग रहे हैं क्योंकि अभी सेट पढ़ा रहा हूं, सेट आपको यदि आते होंगे आपको सिंपल लग रहे हैं, जिसको नहीं आते हैं तो उसको तो आप जैसी बात है कि कुछ ना कुछ मजा आ ही रही होगी, ठीक है। तो फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है। तो इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट में क्या अंतर है आपको बताना है, तो जिसमें एलिमेंट्स की संख्या सीमित हो, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात है, आपको कोई भी डिफरेंस रटनी नहीं है, अपने तरीके से सॉल्व करना है, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट मीन सीमित हो, वो कहलाता है फाइनाइट सेट, और जिसमें असीमित हो मतलब कि हमें पता नहीं चलता कितने हो उसके अंदर एलिमेंट्स, तो वो कहलाती है इनफाइनाइट सेट। तो सिंपल सी बात है, यदि कोई हम सेट ले लें, ए ले लें कोई सेट ए, और उसकी वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिएगा, फाइनाइट सेट का मतलब मैं ले रहा हूं, फाइनाइट सेट का मतलब नंबर आप जीरो से लगा करके वन टू कहां तक, नाइन तक है, तो ये होता है फाइनाइट सेट। या इसी को मैं लिख दूं ए इज इक्वल टू कोई दूसरा सेट, बी इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स क्या है, सप्ताहों के दिन है, नंबर ऑफ वीक्स, डे ऑफ वीक्स, क्या है, डे ऑफ वीक्स, सप्ताहों के दिन है, तो ये क्या है, सप्ताह के दिन सात होते हैं, तो सिंपल सी बात है ये सात एक क्या है फाइनाइट सेट है। लेकिन इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट, सिंपल सी बात, यदि हम कोई सेट ए ले उसको हम जीरो से चालू करें वन टू और डेट 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 डैश लगा करके लास्ट वाला इमेज मीन्स ना लिखे, जैसे हमने नाइन लिखा है, तो उसका मतलब होता है आगे तक भी ये चली जा रही है, मतलब कोई इनकी हमें संख्या ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्ञात नहीं है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टेन है, वन टू नाइन नाइन हो गए और जीरो टेन हो गए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेवन है। तो ध्यान दीजिएगा फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें एलिमेंट्स की संख्या हमें ज्ञात हो, मीन्स फाइनाइट हो, लेकिन इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें एलिमेंट्स की संख्या हमें ज्ञात ना हो, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। इसको मैं यदि एक और क्वेश्चन ले लूं कि बी एक ऐसा सेट है कि x such that x is equal to n square, और where n क्या है, n की वैल्यू बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, n बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है, तो ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर n square, बिल्कुल जीरो से लगा करके आगे तक, जीरो से लगा करके आगे तक ये सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो रखते चले जाइए x की जगह, x क्या है n स्क्वायर की इक्वल है, तो n की जगह क्या रख देंगे हम जीरो, फिर वन, फिर टू, इस तरह रखते चले जाएंगे, तो ये क्या है इनफाइनाइट सेट है। तो इसको ये दोनों इनफाइनाइट है, ये दोनों फाइनाइट है, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल सिंपल सी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट यदि सीमित हो तो फाइनाइट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट यदि असीमित हो तो वो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब ये सिक्स हो गए, सिक्स टाइप्स और सेवन टाइप्स और एट टाइप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनमें से, वो बहुत ही अच्छा, ये सिक्स टाइप्स हो गया और ये सॉरी सिक्स हो गए थे, सेवन
और ये हो गया एट। ध्यान दीजिएगा ये सेट क्या होते हैं, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इसमें डिफरेंस क्या होता है और इसमें होता क्या है। सिंपल सी बात है, मीन्स सबसेट उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट मीन्स उचित उपसमुच्चय। ध्यान दीजिएगा, तो सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो आपको बताना है। तो सबसेट क्या होता है, यदि ए बी दो सेट हो, ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी दो सेट हो और ए के सभी एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स हो, ध्यान दीजिएगा ए और बी, कोई ए और बी दो सेट हैं तो ए के एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट्स हो। सपोज दैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, तो एक्स बिलोंग करेगा बी को भी, ठीक है। तो ऐसे दो सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स जो एक्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में भी हो, तो वही कहलाता है ए इज सबसेट ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, वो एलिमेंट्स कहलाता है ए इज सबसेट ऑफ बी, और यदि नहीं है तो कहलाएगा ए डज नॉट, वो मीन्स ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी। सिंपल सी बात है, इस नोटेशन कैसे करते हैं, नोटेशन ऐसा करते हैं, सिंपल सी बात है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी मीन्स ये होता है, ये नोटेशन होता है, इसको नोटेट करते हैं हम, ए इज सबसेट ऑफ बी। यदि नहीं है तो हम लिख देंगे ए इज डज नॉट मीन्स सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ध्यान दीजिएगा नोटेशन ऐसे करते हैं। अब यदि हम ले लें, सिंपल सी बात है, यदि हम ले लें कोई भी क्वेश्चन, ए की वैल्यू ले लें, ए कोई सेट है ऐसा कि जिसमें ले लें ए बी सी, ए बी और सी, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन, ए बी सी ले लें, तो जो बी सेट होगा, ठीक है, बी सेट होगा, यदि हम इसको सबसेट में लिख दें, सीधे सबसेट में लिख रहा हूं, एक फाइव होगा सबसेट में, ठीक है, और एक ए होगा, ठीक है, और एक बी होगा, फिर सी होगा, और फिर ए बी होगा, ध्यान दीजिएगा ए बी होगा, फिर क्या होगा ए सी होगा, और फिर क्या होगा बी सी होगा, और फिर क्या होगा ए बी सी दोनों होंगे, तीनों होंगे ऐसे। तो ये जो सेट है बी, ठीक है, ये कहलाता है ए का सबसेट कहलाता है, ठीक है, तो वो सॉरी ए इज अ सबसेट ऑफ बी कहलाता है, ए जो है बी का सबसेट कहलाता है, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं, अब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वेयर कोई भी वैल्यू है, सपोज दैट ए सबसेट ऑफ बी और एक्स बिलोंग कर रहा है ए को, तो एक्स बिलोंग करेगा बी को भी, ध्यान दीजिएगा ये होता है सबसेट की डिफरेंस। मीन सबसेट मीन्स दो या सेट हो, तो दो सेट में सबसेट हम तभी कह सकते हैं जब कोई ए का एलिमेंट्स बी का भी एलिमेंट्स हो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा, आप कहते हैं प्रॉपर सबसेट में, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है उचित उपसमुच्चय। यदि ए व बी दो सेट ऐसे हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट्स हो जो ए में ना हो, ध्यान दीजिएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और एक ऐसा एलिमेंट हो एक्स जो डज नॉट बिलोंग करता हो ए में, मतलब कि एक्स एक ऐसा सेट है जो बी में है ए में नहीं है, तो यही कहलाता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब बी इज सुपरसेट, ये कहलाता है बी इज सुपरसेट कहलाएगा, और ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कब होता है, जब ए इज अ सबसेट हो बी का, मीन्स ए सबसेट है बी का और बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो यही कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। तो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, लेकिन बी इज अ सुपरसेट, ध्यान दीजिएगा सुपरसेट आप जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें ये होता है, यदि हम इसका एग्जाम्पल्स ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, ध्यान दीजिएगा ए कोई एग्जाम्पल सेट है, उसमें है ए बी सी, ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, और बी एक ऐसा सेट है जिसमें है, ध्यान दीजिएगा बी एक ऐसा सेट है जिसमें है ए बी सी डी या फाइव लिख दें, ठीक है, फाइव लिख दें, ए लिख दें, बी लिख दें, इसी को लिख रहा है मैं, इसी को लिख रहा हूं, ठीक है, बी सी और ए सी, ए बी ए सी, ठीक है, ए सी और लिखेंगे बी सी, लेकिन यहां पे क्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या नहीं है, एक ऐसा एलिमेंट्स नहीं है ए बी सी, ये एक एलिमेंट्स नहीं है, एक एलिमेंट्स होता है, ये एक एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी,
सिंपल सी बात है, या सिंपल सी बात है, यदि ए कोई सेट हो जिसमें हो 1 2 3 4, बी कोई सेट हो 1 2 3 और 4 हो, तो जो है ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सुपरसेट, ध्यान दीजिएगा। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये प्रॉपर सेट है, वो प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट, और ये है सबसेट। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में आप डिफरेंस पता कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर सेट और सबसेट में जो है एलिमेंट्स क्या होते हैं, यदि कोई ए और बी सबसेट है तो वो तभी हो सकते हैं कि यक्स कोई बिलोंग कर रहा हो ए में, वही एलिमेंट्स हो बी में भी हो, तभी वो कहेंगे सबसेट है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में बी में एक ऐसा एलिमेंट्स हो जो ए में ना हो, बी में एक ऐसा एलिमेंट्स हो जो ए में ना हो, तो हम उसको कहेंगे प्रॉपर सबसेट। लेकिन अब इसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, सिंपल सी बात है, इसी में आप चालू करते हैं नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाते हैं इसमें, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, और कंफ्यूजन के चक्कर में हम सीधे वहां पे जो है कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग कराते हैं। तो यदि कोई सेट ए हो, यदि कोई सेट ए हो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो, एन एलिमेंट्स हो, और यदि कोई सेट ए है उसके अंदर भी एन एलिमेंट्स है, हम दोनों की सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2n। लेकिन जो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2n-1। क्यों, क्योंकि b में एक ऐसी जो वैल्यू है जो a में नहीं है, मींस ध्यान दीजिएगा, b में एक ऐसी वैल्यू जो a में नहीं है, इसलिए हम इसको सबसेट कर देंगे एक ऐसी डिजिट। तो ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ सबसेट 2n होते हैं, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो होते हैं वो 2n-1 होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी है। अब इसी में कह दिया जाए नंबर ऑफ एम्प्टी सेट कह दिया जाए, कितना कह दिया जाए एम्प्टी सेट। तो नंबर ऑफ एम्प्टी सेट कितने होते हैं किसी भी सबसेट में, नंबर ऑफ एम्प्टी सेट कितने होते हैं किसी भी सेट में, 1 होते हैं। इसमें भी यदि कह दिया जाए नंबर ऑफ एम्प्टी सेट, मैं बता रहा हूं नंबर ऑफ एम्प्टी सेट कितने होते हैं, एम्प्टी प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, 1 होते हैं इसमें भी। और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होते हैं 2n-1। मैं बताता हूं कैसे, ध्यान दीजिए, इनको नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ सबसेट 2n होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्टी सेट एम्प्टी सबसेट कितने होते हैं, 1 होते हैं, नंबर ऑफ एम्प्टी प्रॉपर सबसेट भी 1 होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट 2n-1 होते हैं। इसमें नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट होते हैं 2n-2, ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट 2n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2n-1, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट 2n-1, लेकिन नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट 2n-2, यहीं पे कंफ्यूजन होती है, आप यहाँ पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा, सिंपल सी बात है। अब कैसे, यदि हम इसको क्यों कैसे लिखते हैं, यदि ए की कोई वैल्यू है 1 2, ध्यान दीजिएगा 1 और 2 ले रहे हैं, 1 और 2 ए की वैल्यू ले रहे हैं, तो इसको जो वी लिखेंगे हम सबसेट वी हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखिए एक ऐसा सेट इसमें जो नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं 2n, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, तो ये नंबर ऑफ प्रॉपर वो सबसेट क्या हो जाएंगे 2n-2 मीन्स 4 हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ एम्प्टी सबसेट मीन्स एम्प्टी सबसेट कौन सा है, ओनली 1 है इसमें भी, और मतलब इसलिए 1 हो जाएगा, इससे हम पहले ले लेते हैं। और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी मीन्स एम्प्टी ना हो, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी कौन से बचे हैं 1 2 3, इसलिए हम लिखेंगे 2n-1 मीन्स 4-1=3, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम्प्टी सेट हर एक में, चाहे वो सबसेट हो या प्रॉपर सबसेट हो, दोनों में 1 ही होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट 2n-1 होते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी एम्प्टी सेट ना हो, ये सेट नहीं होता है दोनों में। और इसमें इसकी अब बात करें तो ए की वैल्यू यदि एन है तो 2n-1 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा 2n-1 मीन्स 3,
मतलब कि कौन सा सेट नहीं होता, ये सेट नहीं होता, वन और टू नहीं होता है इसमें। प्रॉपर सबसेट की बात करें यदि हम, ठीक है, प्रॉपर सबसेट की बात करें हम यदि, तो वन और टू जो साथ में होते हैं वो नहीं होते हैं, वो एलिमेंट्स नहीं होता। अब इसमें भी नंबर ऑफ सबसेट टू के पावर एन माइनस वन हो गया, मीन्स टू के पावर थ्री माइनस का वन, वन वन टू, टू के पावर फोर माइनस वन इज इक्वल टू हो गया थ्री। अब नंबर ऑफ एम्प्टी प्रॉपर सबसेट इसमें भी वन होता है, नंबर ऑफ एम्प्टी प्रॉपर सबसेट। अब इसमें नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सेट कितने हो जाएंगे, वन और टू, इसीलिए हम लिखते हैं टू के पावर टू और माइनस का टू इज इक्वल टू टू, मीन्स टू के पावर टू की वैल्यू फोर हो जाएगी, माइनस टू करेंगे तो टू वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, मतलब कि इस तरह से हम इसको देखते हैं कि ए कोई सेट है वन टू, इसलिए बी जो है सबसेट हो जाएगा जीरो वन फाइव वन टू फिर वन टू, तो ये सबसेट हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर सबसेट की बात करें तो प्रॉपर सबसेट जो होता है वन और टू जो लास्ट में लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर, वो नहीं होता है इसमें, ठीक है, तो इसलिए हम उसको हटा देते हैं। इसलिए जो है ये डिफरेंस होता है नंबर में, यहां में इसलिए डिफरेंस होता है, सिंपल सी बात है। आई होप ये समझ गए होंगे कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में डिफरेंस क्या होता है, तो ये होता है एक। अब एक क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। आपको बताना है कि इसमें प्रॉपर सबसेट और सबसेट क्या है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यदि है कोई भी वन टू थ्री है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट और नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ सबसेट सभी आपको बताना है इसमें से जो भी है, नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ एम्प्टी सेट सबसेट और नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, ये सभी आपको बताना है यदि ए की वैल्यू क्या हो, वन टू और थ्री हो, और इस तरह भी राइट करके आपको देना है, ठीक है। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देंगे मेरे। अब चलते हैं, यदि मैं एक नोट लिखाना चाहता हूँ, नोट है तो आप उसको नोट जरूर लिख लीजिएगा, बहुत अच्छी और नोट्स है। क्या होते हैं देखिए, यदि ए में फोर एलिमेंट्स हो, ध्यान दीजिएगा, ए में फोर एलिमेंट्स हो, चलिए यदि फाई एक ऐसा सेट होता है जो सभी का सबसेट होता है, मीन्स फाई नोट्स में लिख लीजिएगा, फाई एक ऐसा सेट होता है, फाई एक ऐसा सेट होता है जो सभी का क्या होता है, सबसेट होता है, सभी का सबसेट होता है फाई, तो फाई ही एक ऐसा सेट है जिसमें सभी का सबसेट होता है, मीन्स फाई पहले ही लिखते हैं हम, फिर लिखते हैं वन, जैसे ए की वैल्यू में ले लिया था वन और टू, सिंपल सी बात है, तो फाई क्या हुआ, हो गया था इसका सबसेट, इसका सबसेट फाई वन, ठीक है, टू फिर वन टू हो गया था, सिंपल सी बात है, इस तरह किया था। तो फाई एक ऐसा सेट होता है जो सभी का क्या होता है, सबसेट होता है, चाहे वो प्रॉपर सबसेट में हो चाहे वो सबसेट हो, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन और है, एक और है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो और बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो, तो हम इसको सीधे ये इक्वल सेट हो जाएंगे, ए इज इक्वल टू बी, कब, जब ए बी का सबसेट हो और बी ए का भी सबसेट हो, तो हम सीधे सीधे कह देते हैं ए इज इक्वल टू बी। लेकिन यह रूल जो है प्रॉपर सबसेट में लागू नहीं होता है कि हम कह दें ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहां पे ए यदि सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट बी का, तो बी कभी भी प्रॉपर सबसेट ए का नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहां पर रूल ये लागू नहीं होता है, क्योंकि ए में यदि एलिमेंट्स ज्यादा है, वो बी में एक एलिमेंट ज्यादा है, तो हम सीधे ए इज अ सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं, लेकिन फिर इसी को बी इज अ सबसेट ऑफ ए नहीं लिख सकते, क्योंकि बी में फिर ए की एलिमेंट्स कम नहीं हो जाएगा, वो तो ज्यादा ही रहेगा ना, इसलिए हम इसको, ये रूल्स इसमें लागू नहीं होता है। दूसरा नंबर, यदि ए कोई स्वयं का भी सबसेट होता है, मीन्स ए कोई सेट है, वो स्वयं का कोई भी सेट स्वयं का भी सबसेट होता है, लेकिन कोई भी सेट स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ये भी रूल इसमें लागू नहीं होता है। इसलिए ए कोई सेट है, वो स्वयं का सबसेट हो सकता है, लेकिन ए कोई स्वयं का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, ये थी इसमें नोट में जाने बारे में जानकारी। अब आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दे रहा हूं एक ठो, कि यदि ए में फोर एलिमेंट्स हो, कितने एलिमेंट्स हो, फोर एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बता डालिए, नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बता डालिए, सिंपल सी बात है, ए में कितने फोर एलिमेंट्स हो, तो नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आपको बताना है कमेंट सेक्शन में मेरे, ठीक है। चलिए, और फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, मैं इतनी मेहनत से यदि आपको कर रहा हूँ कुछ
पढ़ा रहा हूँ या आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप पहली बार चैनल पे आते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा एक नोट और लिखिए, एप्सिलॉन स्मिथ स्मिथ बिलोंग्स टू, हम लिखते हैं ना कि एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये जो बिलोंग होता है मीन्स एक्स बिलोंग्स टू होता है ये वाला, और सबसेट होता है ये, और ये होता है प्रॉपर सबसेट। इसमें डिफरेंस क्या है, मीन्स बिलोंग्स टू ये होता है सबसेट और ये होता है प्रॉपर सबसेट, बताइए इसमें जो होता है डिफरेंस क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे ये बिलोंग होता है, बिलोंग्स में एक तरफ तो एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा एक तरफ एलिमेंट्स होते हैं और दूसरी तरफ क्या होता है सेट होता है, ध्यान दीजिएगा किसमें, इसमें, इसमें कभी भी दोनों तरफ सेट नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें कभी भी दोनों तरफ सेट नहीं होंगे कि इसको हम ऐसे लिख दें ये डज नॉट बिलोंग्स टू टू इसमें, ठीक है ये हम नहीं लिख सकते। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो बिलोंग होता है, बिलोंग के एक तरफ तो सेट होता है लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ एलिमेंट्स होता है, और ये जो सबसेट होता है और प्रॉपर सबसेट होता है इसके दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा सेट होते हैं, क्या होते हैं दोनों तरफ सेट होते हैं, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो होता है बिलोंग्स टू होता है उसकी दोनों तरफ सबसेट नहीं, मीन्स दोनों तरफ सेट नहीं होते हैं, एक तरफ एलिमेंट्स होता है और एक तरफ सेट होता है, लेकिन इसमें दोनों तरफ सेट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है तो ये इसमें थी एप्सिलॉन वो बिलोंग्स टू और सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस, तो आप ये मत इसमें कीजिएगा। तो यदि कहीं भी आ जाए क्वेश्चन आ जाए इस टाइप से तो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यदि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसमें आपको कौन सा सही है वो बताना है, एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है, मीन्स जो मैंने नोट पॉइंट लिखाया है इसमें बताइए सही कौन सा है, फाई है, बिलोंग्स कर रहा है किसमें, फाई में, वन में, टू में, बताइए इसमें फर्स्ट है, एक दूसरा है, दूसरा है एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए बी डेड डेड डेस कहां जेड तक में, ठीक है इसमें और इसमें कौन सा सही है आपको बताना है, ठीक है इसमें इसमें कौन सा सही है आपको बताना है, तो कौन सा सही होगा आप सिंपल सी बात है आपको बताना है ए सही होगा या बी सही होगा। तो मैंने कहा था बिलोंग्स में हमेशा दोनों तरफ सेट नहीं होते हैं, तो इसमें जो है दोनों तरफ सेट है क्योंकि ये जो है क्या सिंबल होता है सेट का सिंबल होता है, इसलिए ये रॉन्ग है और राइट कौन सा है ये वाला हमारा राइट है, सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया था क्योंकि मैंने पहले नोट पॉइंट पे लिखाया था एप्सिलॉन मीन्स बिलोंग्स टू और सबसेट और प्रॉपर सबसेट में डिफरेंस, ध्यान दीजिएगा तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में दोनों तरफ सेट होते हैं जबकि बिलोंग्स टू में एक तरफ एलिमेंट्स होता है दूसरी तरफ सेट होता है। अच्छा चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं डिसजॉइंट सेट में, मतलब कि डिसजॉइंट सेट में हमारा है एक लास्ट डिसजॉइंट सेट, मतलब विसंगीत समुच्चय कहते हैं इसको, क्या कहते हैं विसंगीत समुच्चय, ठीक है डिसजॉइंट सेट क्या होता है आप बताइए कि ए एंड बी सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट्स, मतलब कि ए और बी कोई दो सेट हैं, ए और बी कोई दो सेट हैं तो वो डिसजॉइंट सेट कब कहे जाएंगे जब उसका यूनियन जो है यूनियन क्या हो एम्प्टी सेट हो, मतलब कि दोनों का यूनियन यदि एम्प्टी सेट आ जाए मतलब कि कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो, कोई भी वैल्यू कॉमन ना हो तो वही कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट, ए डिसजॉइंट टू बी मीन्स ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। सिंपल सी बात है यदि मैं एक क्वेश्चन ले लूं ए की वैल्यू ले लूं 1 2 3 1 2 3 सिंपल सी बात और बी की वैल्यू ले लूं 4 5 6 ठीक है तो ए जो है बी का डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है मींस विसंगत समुच्चय है क्योंकि हम ए यूनियन बी इसका ले हम यदि ए यूनियन बी तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 5 ही आएगी। तो ध्यान दीजिएगा यदि उनका यूनियन लेने पर एम्प्टी डिसजॉइंट सेट, ध्यान दीजिएगा ए और बी डिसजॉइंट हो जाएंगे यदि उनका यूनियन क्या हो 5 हो जाए, ठीक है उनका यूनियन क्या हो जाए 5 हो जाए मतलब कि कोई भी इसका एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स ना हो, ठीक है कॉमन एलिमेंट्स एक भी नहीं होना चाहिए मींस कॉमन एलिमेंट्स एक भी नहीं होना चाहिए वही कहलाएंगे आपस में डिसजॉइंट सेट। तो आई होप ये समझ गए होंगे, आप समझ गए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सिंपल सी बात है
यदि एक ए है वन डेड नाइन तक है और बी की ए की बी की वैल्यू है 10 to 20 तक है, तो आप ये बताइए ए और बी आपस में है क्या? सिंपल सी बात है, तो ए की वैल्यू क्या है 9 तक है और बी की वैल्यू क्या है 10 से 20 तक है, मीन्स ए यूनियन इसका क्या है 0 है, मीन्स 5 है, इसलिए हम इसको कह देंगे कि ये डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, अब हम ये सेट के अबाउट में पढ़ते हुए सेट्स ऑफ सेट पढ़ेंगे अब। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे अब, सेट ऑफ सेट मीन्स समुच्चयों का समुच्चय। तो व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर आल्सो ए सेट, ध्यान दीजिएगा सेट ऑफ सेट्स में हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स मतलब कि जब कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी सेट का एलिमेंट्स स्वयं का एक समुच्चय हो, जैसे हमने इस तरह लिखा था। ठीक है, इस तरह लिखा था हमने, अभी तो यहां पे 2 रखेगा, 2 और फिर इसके बाद हो जाएगा 1 और 2, ध्यान दीजिएगा। तो कोई है सेट ए, उसमें जो ये सेट अंदर रखे एलिमेंट्स रखे हैं वो स्वयं के भी एक सेट हैं, देखिए स्वयं के भी एक सेट है, तो यही कहलाता है सेट ऑफ सेट, ध्यान दीजिएगा। तो व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर आल्सो अ सेट देन इट इज कॉल्ड अ सेट ऑफ सेट्स। ठीक है, आप सिंपल सी इतना ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ सेट कहते किसको है, सिंपल सी कि यदि कोई भी सेट है ए और उसके अंदर भी रखा एक सेट हो तो वही कहलाता है सेट, सेट ऑफ सेट। अब इसी के अंदर हम एक लेते हैं पावर सेट, क्या होता है पावर सेट, पावर सेट सबसेट में जो है यहाँ पे डिफरेंस बहुत ही अच्छे से तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड ए पावर सेट, मीन्स कोई भी सेट है उसका यदि हम सबसेट ले लें, यदि कोई सेट ए है ठीक है और वो है 1 और 2, तो इसका जो सबसेट होगा क्या कहलाएगा 5 1, ठीक है 2 और 1 2, तो ये कहलाएगा पावर सेट, ध्यान दीजिएगा। तो पावर सेट कौन सा है यहाँ पर, बी किसका पावर सेट, ए का पावर सेट, तो पी ए से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मीन पावर सेट ऑफ ए, रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे पावर सेट का पी ए, ठीक है इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी और ए से, तो मतलब कि यदि कोई ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो तो हम उसको कह देंगे कि यह एक पावर सेट है, मतलब सबसेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट, ध्यान दीजिएगा पावर सेट और सबसेट में डिफरेंस क्या होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है पावर सेट ऑफ सबसेट में, ध्यान दीजिएगा ए कोई वैल्यू है और ये बी कोई वैल्यू है, तो ध्यान दीजिएगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी या पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू बी, हम ये कर देंगे सिंपल सी बात है। तो कोई भी सेट, सेट जो पावर सेट होता है और सबसेट होता है कोई डिफरेंस नहीं होता है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही होते हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सबसेट में, तो ध्यान दीजिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट में जो होते हैं वही नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में होते हैं, देखिए वही एलिमेंट्स है इसमें, नंबर ऑफ सबसेट क्या करेंगे 2 की पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा, मीन्स 1 2 3 और 4, अब पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो आगे दोनों का 4 4, तो ध्यान दीजिएगा पावर सेट और सबसेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है दोनों में इक्वल होते हैं और वही होता है जो सबसेट है यदि वो, तो पावर सेट जरूर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, पावर सेट इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट, मीन्स किसी भी सेट का सबसेट जो है पावर सेट कहलाता है। ठीक है, ये एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सिंपल सी बात एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको कीजिए आप। क्वेश्चन से इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, ठीक है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो आपको क्या बताना है, आपको नंबर ऑफ पावर सेट बताना है और नंबर ऑफ सबसेट बताना है, मीन्स नंबर ऑफ पावर सेट बताना है ऑफ ए और सबसेट बताना है, सबसेट की नंबर ऑफ सबसेट, तो आप बताइएगा इसको मेरे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं पावर सेट का, तो पावर सेट को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस करते हैं, पी ए इज इक्वल टू होता है ध्यान दीजिएगा एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ ए, मीन्स कोई एलिमेंट जो ए का सबसेट हो, मीन्स कोई भी है जो बिलोंग कर रहा है कहां ए में, मतलब कि सबसेट हो कोई भी सेट
ए का सबसेट हो, मतलब कि ए इज अ सबसेट ऑफ वी कह दें हम, तभी वो होगा पावर सेट की इक्वल। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप समझ लीजिएगा। तो अब यहां पे थोड़ी सी एक और क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू फाइव है, नल सेट है, ए इज इक्वल टू कोई भी है वो नल सेट है, ध्यान दीजिएगा नल सेट। तो इसका जो पावर सेट होगा या सबसेट होगा तो वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू क्या है, फाइव है, मीन्स ए एक इम्प्टी सेट है, तो नंबर ऑफ या पावर सेट ऑफ ए क्या होगा और इसका सबसेट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए पावर सेट ऑफ ए और सबसेट ऑफ ए, तो सिंपल सी बात है पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। मतलब कि यदि कोई सेट इम्प्टी सेट है और उसका हम पावर सेट ले लें तो वो निकल आता है सिंगलटन सेट में, क्या निकल आता है, सिंगलटन मीन्स एकल समुच्चय में निकल आता है। इसी प्रकार सबसेट में होता है, इसी प्रकार सबसेट में होता है, सबसेट इसके निकल आएंगे फाइव। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पावर सेट यदि हम किसी भी एम्प्टी सेट का पावर सेट ले लेते हैं तो हमेशा उसमें क्या आता है, सिंगलटन सेट आ जाता है, सिंपल सी बात। इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप जान चुके हैं। चलिए आप चलते हैं कि यूनिट सेट पे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी भी एम्प्टी सेट का पावर सेट लेना हो तो वो सिंगलटन सेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, या सबसेट, यही रूल जो होता है सबसेट में लागू होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक है, समष्टि समुच्चय कहते हैं उसको। तो एक ऐसा सेट जिसकी सहायता से हम जानेंगे किसमें, इसमें यूनिवर्सल सेट में, कहां जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो एक ऐसा सेट जिसकी सहायता से अन्य सभी सेट बने हो, ठीक है, जो भी सेट हो वो सबसेट हो उस सेट के, तो वही कहलाता है, क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, तो यदि कोई ए सेट है और ए की सहायता से बने हो बी सी और डी तो क्या हो जाएगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी हो जाएगा और ए इज अ सबसेट ऑफ सी हो जाएगा और ए इज अ सबसेट ऑफ डी हो जाएगा। मतलब कि बी सी डी जो है ये सबसेट है किसके, ए के। तो यहाँ पे ए ए इज अ यूनिवर्सल सेट, मीन्स ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर बी सी डी के सभी एलिमेंट समाहित हैं, तो उसी को कहेंगे हम, ये कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, पूरक सेट क्या होता है, पूरक सेट कॉम्प्लीमेंट्री, थर्ड को है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट मीन्स पूरक समुच्चय। ठीक है, तो यदि एक कोई भी सेट है तो यू उसका और यू उसका क्या हो, यूनिवर्सल सेट है। तो यू माइनस ए मीन्स जो भी ए कोई सेट हो और उसका जो है यूनिवर्सल सेट यू हो, तो U माइनस ए करने पर जो भी सेट बचे वही कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ध्यान दीजिएगा। तो A की वैल्यू यदि दिए है 1, 2, 1, 2, 3 और U की वैल्यू दी है 0 to 9, कहां तक दी है 0 to 9 दी है, तो U माइनस ए करने पर क्या बचेगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से या ए सी से, यही कहलाएगा 4, 5, 9 तक, ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट जो है ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट्री सेट, मीन्स पूरक समुच्चय। तो ध्यान दीजिएगा यदि ए कोई सेट हो और यू उसका यूनिवर्सल सेट हो, तो यू में हम ए मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो वही कहलाते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो, जिसमें इसमें 0 to 9 थे, इसमें 1, 2, 3 थे, तो ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट्स ना हो, इसमें देखिए ए के एलिमेंट्स नहीं है, तो यही कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, सिंपल सी बात है। चलिए आप चलते हैं, इसको आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आप जान गए ना, सिंपल सी बात है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए सी इज इक्वल टू हो जाता है, ऐसे लिखते हैं एक्स सच डेट एक्स, एक्स सच डेट एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको इस तरह मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं इस टाइप से। ठीक है, सिंपल सी। अच्छा अब चलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, अब ये बिल्कुल सिंपल होता है, डिफरेंस ऑफ सेट मीन्स हमें कोई भी सेट यदि दिए हैं, कौन सा है, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस
ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। यदि ए कोई सेट दिए है 1 2 3 4 5 और बी कोई सेट दिए है 1 2, ठीक है, तो हम डिफरेंस मीन्स ए माइनस बी जो फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए में बी के एलिमेंट सबट्रैक्ट कर दीजिए तो बी के एलिमेंट्स क्या है 1 2 और बचेंगे क्या 3 4 5, तो ये कहलाएगा 3 4 5, यही कहलाता है डिफरेंस ऑफ सेट। तो आप ये जानते हैं सिंपल सी बात है। तो ये था डिफरेंस ऑफ सेट, मीन्स ए की सेट कोई हो बी कोई सेट हो तो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स बी के ना हो वही कहलाएगा डिफरेंस सेट, और यही कहलाएगा ध्यान दीजिएगा जो है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है। तो ए माइनस बी यही पे कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सेट, इसको क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे, आप समझ गए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास 2 में। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज फ्रेंड्स सिर्फ एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप पहली बार चैनल पे आए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। मैं इसमें क्लासेस थ्योरी लेने के बाद, थ्योरी क्लासेस लेने के बाद 2009 से 2019 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो एनडीए पर ही डिपेंड रहेंगे, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी सॉल्व कराऊंगा, तो आई होप ये पसंद आएंगे आपको, पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।